हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टीचर का फुल फॉर्म बताने वाला हूं, जो कि अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है। तो टीचर का फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टीचर का फर्स्ट लेटर होता है टी। टी का मतलब होता है टैलेंटेड। TALENTED, टैलेंटेड, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट लेटर होता है हमारा ई। ई का मतलब होता है एजुकेटेड। EDUCATED, इसका हिंदी में मतलब होता है शिक्षित। नेक्स्ट लेटर है हमारा ए। ए का मतलब होता है एड्रेबल। ADORABLE, एड्रेबल का मतलब क्या होता है, मनमोहक। नेक्स्ट लेटर होता है हमारा सी। सी का मतलब क्या होता है, चार्मिंग। CHARMING, चार्मिंग को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आकर्षक। नेक्स्ट लेटर है हमारा एच। एच का मतलब क्या होता है, हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब क्या होता है गाइज, सहायक। नेक्स्ट लेटर होता है हमारा ई। इसका मतलब होता है इनकरेजिंग। ENCOURAGING, इनकरेजिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोत्साहित करने वाला। नेक्स्ट लेटर है हमारा आर। आर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबल। RESPONSIBLE, रिस्पॉन्सिबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति। तो ये होता है हमारा टीचर का, प्रत्येक लेटर का जो है कि मतलब क्या होता है वो हमने आज आप लोगों को सिखाया फ्रेंड्स। तो टीचर का फुल फॉर्म यही होता है, टैलेंटेड, एजुकेटेड, एड्रेबल, चार्मिंग, हेल्पफुल, इनकरेजिंग, रिस्पॉन्सिबल। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।